देखिए, थोड़ा सा मैसेज आप लोग के लिए यही है कि माह रमजान है, हम लोग का भी त्यौहार है, तो स्पेशली आप लोग को क्या करना है कि ये नहीं है कि आप रोजा रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने का मतलब होगा घर पे जो है सेल्फ स्टडी वाली बातें, थोड़ा लेट हो जाएगा। कई बच्चे हमसे भी कहे कि सर थोड़ा लेट हो सकता है, विलम्ब हो सकता है, या एब्सेंट भी हो सकता है ना, क्योंकि वह विलम्ब होना, वह लेट होना ये दर्शाता है कि जो आपका रूटीन है उसमें चेंज हो जाएगा। डेली क्लासेस चलेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आप जो है वो चीज़ को मिस कर देंगे, छोड़ देंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन फ्यूचर में आवश्यक है, लाइफ के लिए भी आवश्यक है, लाइफ लेसन के लिए भी आवश्यक है। लेकिन इसके लिए जो आपको क्या है ना, कंटिन्यूटी बनाए रखना है। कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो कहीं ना कहीं बेस्ट रिजल्ट पाएंगे, और वह बेस्ट रिजल्ट आप जब खुद एनालिसिस करेंगे तो देख सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि आप लोग जो है अब 2-3 दिन का आप हैबिट बना लेंगे तो हमेशा के लिए हैबिट बन जाएगा, और जब हैबिट बनेगा तो आप अपना दोनों काम कर पाएंगे। ठीक है, माना कि वो तो है, थोड़ा सा वो भी आवश्यक है, लेकिन उससे कहीं बहुत ज़्यादा आवश्यक है आपका PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, अदरवाइज बायो है। तो आइए हम लोग टॉपिक पे आगे आते हैं। यस, अब स्पेशली यदि यहाँ से ये कहा जाए, अगर आप लोग ट्राई करें, आई एम गिविंग दैट, ओए आप यहाँ पे यदि सपोज कीजिए 5 E की वैल्यूएशन आपसे पूछा जाए और ई की वैल्यू यहाँ पे दे दिया जाए, ई की वैल्यू ना दिया जाए लेकिन ऐसे दे दिया जाए, 2 माइक्रोकुलम है और डिस्टेंस इज द 5 मीटर है, इस तरह से दे दिया जाए। ठीक है, और यहाँ पर आपका DS या मिनिमम DA यहाँ पे यह कह दिया जाए कितना 5 मीटर² है, तो 5 का मान कितना होगा। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, सिंपल सा आप इसमें फार्मूला यूज करेंगे, 5 E = क्या देख पाते हैं, ये होता है ना, लेकिन यहाँ पे ई तो नहीं दिया है, तो ई के लिए तुरंत आप दिमाग में सर हम E = फार्मूला तो जानते हैं ना, Q1/4πε₀ q/r² और यहाँ पर आपका ए या डी ए लिख सकते हैं, मतलब थोड़ा सा दिखाता ना। एंड इट्स वैल्यू बच्चा कितना होता है, 9 × 10⁻⁹, एंड देर इज द चार्ज 2 माइक्रोकुलम, 2 × 10⁻⁶ आपका -6, R² R 5 है, तो 5 का² कितना हो जाएगा, 20, ये हो जाएगा। आज इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो इतना क्या जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा है बस में। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हो जाता है आपका न्यूटन, और यहाँ पर आपका जो है कूलम, और यहाँ पर जो आपका मीटर² हो जाएगा। तो इसको कट करके सॉल्व कर लेंगे, वो आपका बेटर आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए, यदि इसको हम इसके साथ इंटू करें कितना जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 25 है, एक जो यहाँ से उतार लीजिए, अदरवाइज ऐसे थोड़ा सा आप लोग ये सब काटने की चीजें प्रैक्टिस बना लीजिए। यहाँ कितना 180 में कर लिया, क्यों एक जो इसके साथ ले लिया, क्यों मैं ऐसा किया, 18 था नीचे 25 था। ठीक है, तो ये अधिक हो जा रहा था, वो कम हो जा रहा था, इसकी वजह से हमने इसको अधिक कर लिया, नीचे वाला कम हो जाएगा 180। अब यहाँ 10⁻⁶ कितना हो गया, 8 × 10⁻⁶, तो 10⁻⁶ कितना जाएगा, -2 हो जाएगा, मतलब दोनों सॉल्व हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब बाई कितना हो जाएगा आपका, 25। ठीक है, 2500 का 100, अब 25×6 150। ठीक है, आप 25×7 175 सेवन टाइम कितना बचा, 5 बचा, जब 180 था ना, अब 5 का 1 0 लगा कितना देगा, 50 हो जाएगा, 9 × 10⁻² आपका 2। यहीं छोड़ दीजिए, अदरवाइज इसको जो है आप ये ऐसे लिख दीजिए, 7.2 × 100 × 100, यानी 720 ऐसे, मतलब 2 अंक 1 अंक पे डिजिट लगेगा ना, इससे 2 0 हो जाएगा, 720 हो जाएगा। कहाँ 100, इसका मतलब 100 हुआ ना, नहीं समझे, अरे भाई 100² ऑफ द 10 × 10 100 हो गया, क्लियर। आप 100 में जो आप मल्टी करो, इतना से मल्टी कर रही हो, 7.2 से करके देखिए, वही चीज़ आ जाएगा।
तो देर इज वेरी सिंपल, बस हफ्ते आप करते रहें, समझते रहें, जो भी डाउट है पूछते रहें।